बरेली बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में फिर कांवड़ जत्थे को निकालने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि नई परंपरा के तहत कांवड़ जत्थे को निकाला जा रहा है, जबकि हिंदू समुदाय के लोग किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे और कांवड़ को उसी रूट से निकालने पर अड़े हुए थे। समझाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात पर राजी हो गए कि बगैर डीजे बजाए कांवड़ जत्थे को निकाल दिया जाए, मगर हिंदू समुदाय के लोग किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद हल्का पुलिस बल पुलिस द्वारा प्रयोग किया गया और कांवड़ जत्थे में मौजूद खुरापातियों को खदेड़ दिया गया। जोगी नवादा में हिंदू मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। वजह ये थी कि नई परंपरा के तहत मुस्लिम बहुल इलाके से कांवड़ जत्थे को निकाला जा रहा था। मुस्लिम समुदाय के लोग रोड पर खड़े हो गए और कांवड़ निकालने का विरोध करने लगे। सूचना पाकर मौके पर कई थानों की पुलिस और पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों को संभ्रांत नागरिकों ने समझाया कि कांवड़ जत्थे को निकलने दिया जाए और जो भी कांवड़ जत्थे को लेकर निकलेंगे वो डीजे वगैरह नहीं बजाएंगे। इस शर्त पर मुस्लिम समुदाय के लोग मान गए। और उनको बता रहे थे कि ऐसा कोई रूट नहीं है, थाने के रिकॉर्ड में नहीं, उनको किसी प्रकार की अनुमति नहीं थी, फिर भी प्रयास कर रहे थे। काफ़ी संख्या में भीड़ लेकर के यहाँ खड़े थे। हम लोगों ने भी प्रयास किया कि शांतिपूर्वक अगर ये दूसरा पक्ष सहमत भी हो तो भी बात कर ली जाए, लेकिन इन लोगों का उसमें कई खुराफाती लोग ऐसे थे जो केवल लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाह रहे थे, किसी बात को सुन नहीं रहे थे। इवन वो लीडरलेस हो गए थे, शुरू में उनके साथ कुछ नेता थे लेकिन बाद में उन्होंने सबको डिनाई करना शुरू कर दिया और यहाँ हड़दंग मचाना, नारेबाजी करना, जोर जोर डीजे बजाना, ये सब वो कर रहे थे और अडामेंट थे कि हम इसी से जाएंगे। ऐसा इसलिए उनको यहाँ से हटाया गया। हटाने के दौरान बहुत ही हल्का बल प्रयोग किया गया और जिसमें कोई घायल नहीं है निश्चित ही, और हम आगे के लिए भी अरेंजमेंट कर रहे हैं जैसे किसी प्रकार के लाइन ऑर्डर। निश्चित ही हल्का पर प्रयोग मैंने आपको बताया कि आगे शांति व्यवस्था किस तरह की, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पूरी फोर्स रहेगी, मजिस्ट्रेट्स रहेंगे सर, आप देख रहे हैं शांति है, लोग घरों में चले गए हैं। और मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ये श्रावण का बड़ा पवित्र महीना है, इसमें आप शांतिपूर्वक अपने आराध्य की पूजा करें, जलाभिषेक करें। किसी भी प्रकार की समस्या किसी अन्य के सामने हो तो आपके पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब आप समस्या लेकर के न खड़ा करें, लोगों के सामने जाम न लगाएं और पूरी आस्था के साथ श्रावण महीने को मनाएं और परंपरागत रूप से ही मनाएं। ये हर स्तर से निर्देश है, कोई भी परंपरा विरुद्ध कार्य नहीं करने दिया जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।